Hello guys, today we are discussing NCERT Math Class 10th Exercise 1.1. This is question number 5. The question number 5 is use Euclid lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus a. यहाँ पर हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ये प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम क्यूब करें तो वो 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8 के रूप का होगा। तो यहाँ पर यूक्लिड लेमा को लेंगे। सबसे पहले तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स वेयर b इज इक्वल टू 3 एंड द नंबर बिकम्स a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस r। व्हाट इज r? R is the remainder and Q, Q is equal to or greater than 0. तो हम बात करें remainder की। remainder क्या क्या होंगे? या तो होगा 0, 1, 2, 3, इसमें remainder कभी नहीं आएगा। तो हम देखें जब possible remainder जो हमारे बनेंगे वो ये बनेंगे। देख सकते हैं आप R is equal to 0, 1 and 2। तो हमारे पास possible जो remainder होंगे वो या तो 0 होगा या 1 या 2। फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इस फॉर्म में 0, 1 और 2 रिमाइंडर क्यों आते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए डिवीजन लेते हैं, सिंपल कोई भी नंबर लें, जैसे मैंने 3 ले लिया, 3 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आया? 0। इन द सेम वे नेक्स्ट नंबर लें 4, तो 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आया? 1। इसी तरह 5 लें, 5 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आया? तो इसी तरह नेक्स्ट नंबर लें 6, 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आया? 0। इस तरह से रिमाइंडर आते जाएंगे, लेकिन रिमाइंडर हमारे पास वही रहेंगे, या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, फिर उसके बाद फिर रेपिटेशन शुरू हो जाएगी, 0 आएगा फिर 1 फिर 2। इस तरह से हम देखेंगे कि इस फॉर्म के अंदर रिमाइंडर 3 ही रहेंगे, 0, 1, 2 यही रहेंगे। तो देखेंगे तो नंबर कौन से बन गए हमारे पास? नंबर हमारे पास बनेंगे फिर a इज इक्वल टू r की जगह पर हम 0 लिख देंगे, तो 3q प्लस 0 यानी कि 3q, फिर अगर 1 करेंगे रिमाइंडर तो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। इस तरह से हमारे पास तीन जो फॉर्म बन सकती है नंबर्स की, हम बारी बारी तीनों का क्यूब करके ये प्रूव कर देंगे कि जो हमारे पास फॉर्म आएगी वो 9m की आएगी, 9m plus 1 की आएगी, 9m plus 8 की आएगी। तो आइए फर्स्ट नंबर हम लेते हैं a is equal to 3q, फिर हम इसको क्यूब कर देंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड, टेकिंग क्यूब, क्यूब जब हमने ले लिया a cube is equal to 3q whole cube, तो 3 into 3 into 3 27 cube, 27 cube में 9 हमने कॉमन ले लिया, तो जो हमारा a cube है कि n into 3 क्यू क्यूब आ गया। तो यहां हमने 3 क्यू क्यूब को m1 ले लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हमने लिख दिया इस फॉर्म में 9m1। तो इन द सेम वे हमने देख लिया 9m तो आ गया। अब हम सेकंड नंबर लेते हैं 3q plus 1, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड पर, क्यूब करने के बाद यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी आइडेंटिटी इस प्रकार होती है, a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ये आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, नाइन्थ कक्षा में, नाइन्थ क्लास में भी थी। तो ये इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको a लेट करेंगे, b लेट करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर और 3 ए स्क्वायर बी, इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा क्यूब करने के बाद। तो यहाँ हम देखेंगे जो फर्स्ट 3 नंबर्स हैं उनमें 9 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उस 9 को कॉमन ले लेंगे, और ये 1 में से कॉमन नहीं आएगा तो 1 पीछे रह गया। तो इस पूरे जो टर्म्स हैं 3 टर्म्स, इनको हम m2 लिख देंगे, मल्टीपल ऑफ 9, 9m2 प्लस 1। तो वेयर व्हाट इज m2? m2 is equal to 3q cube plus 3q square plus q, तो इसको हमने कंबाइन करके क्या लिख दिया? m2। तो हमारी फॉर्म 9m2 plus 1 आ गई। यहां कुछ भी हो सकता है, m2 भी हो सकता है, m भी हो सकता है, एनी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कांस्टेंट k के रूप में हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं।
तो इसी प्रकार जो हमारा थर्ड नंबर था a इज इक्वल टू 3q+2, इसको क्यूब करेंगे, फिर दोनों तरफ क्यूब करने के बाद इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम फिर ये आ जाएगा 27q+54q²+36q+8। तो आप देखेंगे इन तीनों में फिर 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ गया तो ये मल्टीपल बन गया 9 का। फिर हम 9m2+8, यहाँ क्या आ जाएगा, नोट करने वाली बात यह है 9 2+8, व्हाट इज m2, m3, व्हाट इज m3, m3 इज इक्वल टू 3q³+6q²+4q। तो इस प्रकार हम देखते हैं, हमने बारी बारी से तीनों नंबर को क्यूब करके देख लिया, या तो आएगा n9m या आएगा 9m+1। प्रकार हम देखते हैं जो इसका क्यूब करने के बाद 9m3+8 आ गया। तो 8 आने के बाद हम देखेंगे यहां पर जो m1 और m2 और m3 लिए थे, m1 m2 एंड m3 आर द पॉजिटिव इंटीजर्स हैं यहां पे। तो इस प्रकार हमारा जो सम है हो चुका है। ये देखिए हमें क्या प्रूव करना था, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 एंड 9m+8। m मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर m1 है, m2 है, m3 है, कुछ भी हो सकता है। तो सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8 होगा, इसके अलावा नहीं होगा। तो मैं फिर दोबारा से आपको जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमने यूक्लिड लेमा के द्वारा ये नंबर लिया था, इस नंबर के अंदर हमने रिमाइंडर को चेक किया, रिमाइंडर 012 होंगे, ये रिमाइंडर 012 है। तो हमारे पास नंबर कौन से होंगे, 3q, 3q+1 और 3q+2। हम बारी बारी तीनों का क्यूब करेंगे, पहले फर्स्ट का क्यूब किया तो इसको हमने 9m की फॉर्म में ले आए। फिर हमने सेकेंड नंबर जो 3q+1 का जो क्यूब किया उसको भी हम 9m+1 की फॉर्म में हम ले आए। इसी तरह से 3q+2 का क्यूब करने के बाद ये भी 9m+8 की फॉर्म में आ गया। तो इस प्रकार ये हमारा सम उस फॉर्म में पहुंच चुका है जो हमें चाहिए थी। तो हेंस द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। तो मुझे उम्मीद है भी आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यहाँ छोटा सा फंडा है, नंबर लेट करना है, फिर उसका क्यूब करना है और उसकी फॉर्म आ जाएगी। तो इस प्रकार आपका जो सम है वो अच्छी तरह से मेरे ख्याल में हो चुका है। तो ये हमसे बिल्कुल गलती हो रही है।